हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आईफोन आपका ओरिजिनल है कि नहीं, तो कैसे चेक किया जाता है। ठीक है गाइस, आपका आईफोन ठीक है तो कैसे चेक किया जाता है, इसी टॉपिक पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बनाया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचते रहेगा। तो सबसे पहले तो अपने को आपको जाना होगा सेटिंग पर जाना होगा। ठीक है, सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ से आपको जनरल पर जाना होगा। जनरल पर जाने के बाद यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन है, अबाउट पे ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ सीरियल नंबर दिख रहा है वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा, क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है या दूसरे मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको चेक करना रहेगा, फर्स्ट टाइम लेंगे तो आपका आईफोन तो स्टार्ट नहीं होगा, एंड्रॉयड में भी देख सकते हैं सेम। ठीक, उसके बाद इसको क्रोम पर जाना होगा। क्रोम पर जाने के बाद यहाँ से आपको सिंपली सर्च मारना है, आईफोन चेकर। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ से फर्स्ट वाले ही ऑप्शन पर चेक पर चले जाना है, चेक करना है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर डाल लीजिएगा फर्स्ट वाले पे। चलिए फिर, मैं अपना सीरियल नंबर तो कॉपी कर चुका हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा, और कॉपी नहीं तो देख लीजिएगा दूसरे मोबाइल पर रहेगा तो यहाँ से पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको बस लिखना है, इसके बाद इसको लिखना है ऊपर वाले को। तो पहले क्यू बड़े अक्षर पर ही लिखा है तो ऐसे लिखे BTW। ठीक, यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं आईफोन 11 इतना में लिया था सितंबर 2022 में लिमिटेड। यहाँ से देख सकते हैं पूरा आपका डिटेल यहाँ से पता चल जाता है ओरिजिनल है। और यहाँ से नहीं रहेगा तो यहाँ से ठेंगा, मतलब जैसे कि क्वेश्चन मार्क जैसे आ जाएगा। यहाँ पर आईफोन है 11 का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और कितना आसान था चेक करना, आप लोग भी समझ गए होंगे। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।